Grandparents are like a shady tree which are always there to offer their cool shade to the next generation. अदसे के जरिए जो हम देखते हैं वो ग्वादर के फकीर मिडिल स्कूल के तुलबा हैं, जो हकीकी मानों में इल्म के भूखे हैं। रोशन और कुशादा क्लासरूम में हर बच्चे की आंखें कामयाबी के एहसास और दिल से पुर एतमाद और खुशी से भरी हुई हैं। स्कूलें यानी के माँ वानी मजनी क्लास रही मजनी यानी के मन डॉक्टर ही बना। इस स्कूल में जब मैं दाखिल हुई तो मेरा तालीम का शौक मजीद बढ़ गया है। मुझे मजीद शौक हो गया तालीम का, मुझे दुनिया देखना है और दुनिया को दिखाना भी है। मुझे मेरी क्लास अच्छी लगती है, अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, झूला अच्छा लगता है, सारे टीचर तो मेरे बेस्ट हैं, सर भी मेरी बेस्ट है, मुझे सारे टीचर पसंद हैं, मेरी फेवरेट टीचर मार गया है। आज क्या दिखता? पाक चाइना दोस्ती से तो इंशाल्लाह जो है डेवलपमेंट भी आएगी इस इलाके में, तालीम के लिहाज से भी और इकोनॉमिकली भी इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट होगी। वो खुश हैं क्योंकि जो है पहले जो यहाँ का सिचुएशन था वो बिल्कुल वर्स्ट था, लेकिन जब ये स्कूल बना बच्चे आए पढ़ने लगे तो पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट। चीन पाकिस्तान ग्वादर फकीर स्कूल बलोचिस्तान के बंदरगाही शहर ग्वादर में फकीर कॉलोनी में वाक़ है। सुर्ख छत और सफेद दीवारों के साथ दरस व तदरीस की इमारत करीब ही में एक बेहतरीन लैंडमार्क इमारत के तौर पर है। जैसा कि मारिया मोहम्मद ईसा ने कहा, ग्वादर बंदरगाह की तरक्की से न सिर्फ मुकामी मईशत बल्कि पाकिस्तान के आम लोगों को भी फायदा पहुँचा है। माजी में 1,00,000 से कम आबादी वाले इस माहीगीरी के शहर में अक्सर पानी और बिजली की कमी थी और बुनियादी ढांचे की कमी थी, तदरीसी इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ-साथ की शदीद कमी थी और तालीमी आबादी कभी 25% से भी कम थी। मैं बेसिकली यहाँ की रहने वाली हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से ये स्कूल जो है बनते हुए देखा है। यहाँ के एक लोकल फैमिली ने जो है स्कूल की जो ज़मीन है उसको डोनेशन किया है, और यहाँ पर चाइनीज़ डेवलपमेंट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पर जो है चाइनीज़ के तावुन से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है मुख्तलिफ मराहिल में। सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन शुरू हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट आने लगे, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हुई, तो इनरोलमेंट को देखते हुए फिर जो है यहाँ पर चाइनीज़ ने मज़ीद जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। हेडमिस्ट्रेस परवीन नवाज के मुताबिक 6 साल पहले ग्वादर में स्कूल जाना मुश्किल था। हुकूमत ने ट्यूशन फीस में इस्तेस्ना दिया है, लेकिन चूंकि पहले चंद स्कूल थे और इंफ्रास्ट्रक्चर नाकिस था और वालदेन ट्रांसपोर्ट की इस्तेआत नहीं रखते थे, बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी मुसाफत तय करना पड़ती थी। इसमें न सिर्फ वक्त लगा बल्कि बहुत ज्यादा तवानाई भी खर्च हुई, जिसकी वजह से फकीर मिडिल स्कूल के कायम ने इस सूरतेहाल को बेहतर बनाने में मुस्बत किरदार अदा किया है। ये ज़मीन मेरे वालिद साहब ने वो चाइनीज़ को डोनेट की थी। दरअसल वजह ये थी कि चाइनीज़ यहाँ आए थे कि हमें एक ऐसी लोकेशन पे हम एक स्कूल बनाएंगे जहाँ पर पहले से दूसरा कोई स्कूल ना हो, तो वो उन लोगों की ये थी कि डिमांड थी कि ये हो और जो लोकेशन है जगह है वो हमें कोई लोकल बंदा दे दे। तो मेरे वालिद साहब ने इसके लिए रजामंदी जाहिर कर दी। तो चूँकि हमारे यहाँ इस स्कूल में तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर अराउंड में कोई भी दूसरा स्कूल नहीं है, तो मेरे वालिद साहब ने ये ज़मीन इनको दे दी कि आप लोग आके यहाँ पर स्कूल बना लें, मैं आप लोगों को जगह दूँगा। फकीर मिडिल स्कूल की 752 मुरबा मीटर ज़मीन नसीम अहमद के वालिद मोहम्मद ने अतिया की थी। एक मुकामी आम किसान के तौर पर वो मुस्तकबिल में बच्चों की नस्लों की तवील मुद्दती तरक्की के लिए इल्म सीखने की अहमियत को जानता है। तो इवन बाद में इनको दूसरे लैंड की ज़रूरत थी, तो मेरे वालिद ने कहा अगर मेरे पास किसी दूसरी जगह होती तो मैं वो भी चाइनीज़ को डोनेट कर देता ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। ये स्कूल जो है पाक चीन दोस्ती की एक सिंबल है बलूचिस्तान में और स्पेशली ग्वादर में। यहाँ पर अभी 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे या वो बच्चे हैं जो किसी और स्कूल में नहीं जा सकते थे। अगर एक आज ये स्कूल नहीं होता तो वो बच्चे गली कूचों में घूम रहे होते। तो ये बच्चे बढ़कर जो है एक अब मुआशरा बनाएंगे और ग्वादर की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगे और पाक चीन दोस्ती में भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। फकीर मिडिल स्कूल को सितंबर में मुकम्मल करके इस्तेमाल में लाया गया था। इसमें शुरू में सिर्फ 150 तुलबा रह सकते थे,
और बहुत से तुलबा को बाकायदा क्लासरूम्स के बजाय खेल के मैदान में पढ़ना पड़ता था। मुकामी हुकूमत और आवाम की दरखास्त पर चाइना फाउंडेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने 2020 में फंडिंग और मंसूबे की तौसी की और अब हमारे सामने एक मुकम्मल स्कूल खड़ा है। इस वक्त टीचर्स हमारे पास 15 हैं और मैं यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस के काम सर अंजाम देती हूँ और यहाँ पर बाकी जो हमारे पास 14 टीचर्स हैं इसमें से एक चाइनीज़ के तावन से है और दूसरा बाकी एक जीटीए के तावन से है और बाकी तमाम गवर्नमेंट टीचर्स हैं और एनरोलमेंट 525 है इस वक्त तक और मज़ीद स्टूडेंट्स आ रहे हैं दाखिले के लिए। तो ये हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद भी गए, इवेंट अटेंड किए, ग्वादर में मुख्तलिफ जो इवेंट हुए, एक्सपो हुए हैं, पीएम ने आके दो दिन पर विज़िट किए, तो वहाँ उस इवेंट में हमारे बच्चे मौजूद रहे हैं। पिछले दिनों ये पाक चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग का इब्तदा हुआ था, वहाँ भी हमारे बच्चे मौजूद थे। तो हमारे बच्चे मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं, इनके अंदर एक अलग सा जज्बा है बनस्बत बाकी स्कूलों में आगे जाने के लिए। सर, किसी भी कौम के मुस्तकबिल का इन्हसार उसके नौजवानों पर है, तो स्टार्टिंग बेसिकली बच्चों से होती है, स्टूडेंट से होती है। तो पाक चीन दोस्ती की सबसे अहम मिसाल ये है कि उन्होंने जो बेस बनाई है, फाउंडेशन, सबसे पहले स्कूल बनाया, सीपेक स्कूल बनाया, बच्चे यहाँ से एक अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और इस मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे।